1857 हिंदुस्तान की गदर, न जाने कितने वीरों के प्राण इस गदर में न्योछावर हो गए, लेकिन भारत की ये क्रांति सफल नहीं हुई। कारण अनेक थे। 1857 की क्रांति जन क्रांति थी। कुछ राजे रजवाड़ों को छोड़कर बाकी सभी अपने मतलब के लिए जनता का सिर्फ उपयोग करना चाहते थे, लेकिन भारत की जनता काफ़ी हद तक समझ चुकी थी कि जो अत्याचार आज उन पर ये गोरे अंग्रेज कर रहे हैं, कल को वही काले अंग्रेज करेंगे। इसलिए जनता अपने लिए लड़ाई लड़ी, अनेकों वीरों ने बलिदान दिए। तो आज से ऐसी वीडियो में हम आपको उन वीर शहीदों के बारे में बताए करेंगे जिन्होंने हमारे आज के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी ऐसे ही वीर सपूतों की जानकारी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो हरियाणा की जाट जाति से शुरू करते हैं। अक्सर लोग बिना जानकारी के किसी भी जाति के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे ही टुटपंजों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में सिर्फ साउथ हरियाणा के शहीद जाटों के बारे में बताया गया है, जिसमें गुड़गांव, पलवल, झज्जर के जाटों के बारे में ही बताया गया है। बाकी जिलों के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। हमने यहाँ कुछ किताबों का रेफरेंस लिया है जिससे हम अपनी बात को प्रूव कर सके, जिसमें पहली किताब है हरियाणा का इतिहास जो श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी गई है। दूसरा है रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द डिमांड ऑफ पंजाबी सूबा 1965। तीसरा है हरियाणा स्टेट का गैजेट वॉल्यूम 1 के अनुसार कुछ नामों में जाति नहीं लिखी है, सिर्फ गांव के नाम लिखे हैं। तो अगर आपको इनके गांवों की जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारी मदद करें कि ये किस जाति के गांव हैं। तो सुनो हरियाणा के जाटों की 1857 गदर की शौर्य गाथा, जिसमें पहला नाम है बदलू जाट का, जो गुड़गांव जिले के बादशाहपुर गांव से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना अहम योगदान दिया। अंग्रेजी जनरल सोवर ने इनको नवंबर 1857 में पकड़कर गोली मारकर इनको शहीद कर दिया। बख्तावर सिंह, ये कई जगह बहादुर सिंह के नाम से भी इनको लिखा गया है। बख्तावर सिंह जाट जिला गुड़गांव के जरसा गांव के एक संपन्न जाट जागीरदार थे, जिनके पास जरसा के अलावा बादशाहपुर, तिजारा, टीकली, बुनासपुर की जागीर थी। इतना सब कुछ होने के बाद बिना किसी मतलब के अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपनी जागीर और अपने प्राण दोनों नौछावर कर दिए। जनरल सावर के साथ लड़ते हुए गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल में इनको बंदी बना लिया गया और इनकी जागीर को चैनसुख महाजन को दे दिया गया। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जितने भी महाजनों पर बड़ी बड़ी जागीर जमीनें आई वो अधिकतर 1857 के बाद आई। इस गदर के बाद उनको अंग्रेजों ने अपने जो उनके लॉयलिस्ट होते थे यानी वफादार होते थे उनको जमीन प्रदान की गई, उनकी जो विद्रोह कर रहे हैं, जैसा कि रिकॉर्ड में भी लिखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी इनके पास काफी जागीर गदर के बाद आई, जो इनको इनकी वफादारी के लिए अंग्रेजों ने दी थी। उसके लिए मैं आपको मुजफ्फरनगर गैजेट का रिकॉर्ड देखने की सलाह दूंगा। फिर आते हैं भगीरथ जाट, सद्दू राम का पुत्र, जिला गुड़गांव के पटली गांव के निवासी थे, जिनको 11 नवंबर 1857 को फांसी देकर शहीद किया गया। इनके बाद भक्ता जाट गुड़गांव जिले के बादशाहपुर गांव के रहने वाले थे,
जिनको 11 नवंबर 1857 को शहीद किया गया। बिरदा जाट गुड़गांव जिले के पटली गांव के निवासी थे। इन्होंने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 7 दिसंबर 1857 को इनको फांसी देकर शहीद कर दिया गया। चैनाराम जाट एक जवान हट्टा कट्टा वीर था जिसने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने जनवरी 1858 में उनको पकड़कर शहीद कर दिया। ये जिला गुड़गांव के निवासी थे। चेतराम जाट सुरजा जाट के पुत्र गुड़गांव जिले के अहिरोवान गांव के निवासी थे, जिनको 8 दिसंबर 1857 को शहीद किया गया। चेतराम जाट ये दूसरे थे। सनोब भूराराम जाट गुड़गांव जिले के अहिरोवान गांव के ही निवासी थे, जिन्होंने गदर में अहम भूमिका निभाई और 8 दिसंबर 1857 को दिल्ली में इनको शहीद कर दिया गया। इनके बाद दियाराम जाट सनोब भोरू जाट गांव पटली जिनको 11 दिसंबर 1857 को शहीद किया गया। धूलीचंद जाट गुड़गांव जिले से ताल्लुक रखते थे, इनको दिसंबर 1857 को शहीद किया गया। अब हम जिन शहीदों का नाम और गांव आपको बताएंगे उनमें कितने जाट जाति के गांव से ताल्लुक रखते हैं ये आपको हमें बताना है कमेंट में, जिनमें हमें कुछ का बिल्कुल कंफर्म पता है कि ये गांव जाट जाति से है, लेकिन कुछ के लिए आप हमारी मदद करें कमेंट करके। चलिए शुरू करते हैं। अलबेला सिंह सनोब जालिन सिंह गांव कसान जिला गुड़गांव से थे। इन्होंने अंग्रेजी टुकड़ी पर हमला कर बहुत सारा धन लूट कर गांव वालों में बांट दिया। क्रांति के बाद इनको बंदी बनाकर इन्हीं के गांव में 16 जनवरी 1857 को फांसी देकर शहीद कर दिया गया। इनके बाद बदलू जाट आते हैं जो पलवल के निवासी थे। 16 जनवरी को 1858 में इनको फांसी देकर शहीद किया गया। बिरदा जाट ये भी पटली गांव जिला गुड़गांव के निवासी थे, जिनको 7 दिसंबर 1857 को फांसी देकर शहीद किया गया। भवानी सिंह गुड़गांव जो गुड़गांव के ही निवासी थे, जिनको 15 दिसंबर 1857 को क्रांति में भाग लेने की वजह से फांसी देकर शहीद किया गया। बिरजा गांव छज्जू नगर जिला गुड़गांव को दिल्ली में जनवरी 1858 को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इनके बाद है ब्रिजनंदा सनोब मुल्ला गांव छज्जू नगर जिला गुड़गांव को भी दिल्ली में ही 12 जनवरी 1858 को गोली मारकर शहीद किया गया। इनके बाद आते हैं छजिया कादुरपुर गांव के जो जिला गुड़गांव में है लंबरदार थे, जिनको गदर में हिस्सा लेने की वजह से 7 दिसंबर 1857 को फांसी देकर शहीद किया गया। चुन्ना सनोब भूरा गांव छाजू नगर के जिला गुड़गांव के ही निवासी थे। इनको इनके सात साथियों के साथ 13 जनवरी 1858 को फांसी देकर शहीद किया गया। दलीप सिंह गुड़गांव के निवासी जिनको 15 दिसंबर 1857 को फांसी देकर शहीद किया गया। गोपाल सिंह ये भी गुड़गांव के ही निवासी थे, इनको दोषी करार पाते हुए 15 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने फांसी दी और शहीद कर दिया। गुरदिया सिंह गुड़गांव के ही निवासी थे, इनको भी 15 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। हरदेव सिंह गढ़ी पट्टी गांव जिला गुड़गांव के एक किसान थे, जिनको अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर फरवरी 1858 को फांसी दी गई। हरदेवा सनोब गुलवा गांव छज्जू नगर गुड़गांव को दिल्ली में 13 जनवरी 1858 को फांसी दी गई। इनके बाद है हरदिया जिला गुड़गांव का एक नौजवान जिनको जनवरी 1858 को फांसी देकर शहीद किया गया। इनके बाद है हरनाम सिंह गुड़गांव
के निवासी, जिनको अंग्रेजी अदालत में दोषी पाया गया और 15 दिसंबर 1857 को इनको भी फांसी देकर शहीद कर दिया गया। हर शुक्र सनोब राधा कृष्ण, जो पलवल के निवासी थे, उनको दिल्ली में 2 मार्च 1858 को फांसी देकर शहीद किया गया। हतिया दिकोट गांव से ताल्लुक रखते थे, इनको जनवरी 1858 में फांसी देकर शहीद किया गया। जगरूप गुड़गांव जिले के निवासी थे, जिनको फरवरी 1858 को फांसी देकर शहीद किया गया। जयराम कासुम गांव जिला गुड़गांव के किसान थे, जिनको जनवरी 1858 को फांसी देकर शहीद किया गया। जसवंत सिंह, जो झज्जर के नवाब के जमादार थे, उनको 18 अक्टूबर 1857 को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जवाहर सिंह, ये भी झज्जर के नवाब की आर्मी में दरोगा थे, उनको झज्जर की हार के बाद अक्टूबर 1857 को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जैत सिंह गुड़गांव जिले के निवासी थे, जिनको 15 दिसंबर 1857 को फांसी देकर शहीद किया गया। जीवा, जो गांव छाजूनगर जिला गुड़गांव के निवासी थे, उनको दिल्ली में 12 जनवरी 1858 को फांसी देकर शहीद किया गया। जियाराम सनो धन सिंह गांव कसान जिला गुड़गांव के लंबरदार, उन्होंने अंग्रेजों को लूटकर गांव वालों में सारा धन बांट दिया। 16 जनवरी 1858 को उनको गोली मारकर शहीद किया गया। कहन सिंह गुड़गांव जिले के निवासी थे, 15 दिसंबर 1857 को उनको भी फांसी देकर शहीद कर दिया गया। कलम सिंह और कलान सनोब मोहन सिंह गांव दिगोट, दोनों गुड़गांव जिले से ही थे, जिनको 13 जनवरी 1858 को फांसी देकर शहीद किया गया। केतराम गुड़गांव जिले के किसान थे, इन्हें भी दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। इनके बाद किशनबाल सनोब भोजा, एक किसान जो गढ़ी पट्टी गांव के निवासी थे, 1 फरवरी 1858 को उनको फांसी दी गई और शहीद कर दिया गया। किशनु गांव गढ़ी पट्टी जिला गुड़गांव को फरवरी 1858 में फांसी दी गई। कुंदन सिंह गुड़गांव के निवासी थे, 15 दिसंबर 1857 को उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। कुंवर चंद्र नगली गांव जिला गुड़गांव के निवासी थे, फरवरी 1858 को उनको फांसी देकर शहीद कर दिया गया। लक्ष्मण सिंह गुड़गांव के निवासी, जिनको 15 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। लक्ष्मण सिंह सेकंड सन ऑफ प्रजीत सिंह गांव गढ़ी पट्टी जिला गुड़गांव को फरवरी 1858 को फांसी दी गई। लहरू गांव अहिरोवान, लहरू जाट गांव अहिरोवान जिला गुड़गांव को 7 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। मानी पलवल के रहने वाले थे, उनको जनवरी 1858 को फांसी दी गई। पीरू भी पलवल के ही रहने वाले थे, उनको 16 जनवरी 1858 को फांसी देकर शहीद किया गया। पीरदास गांव रोहनत, ये एक केस है जो सिर्फ हिसार का हमारे पास है। ये हिसार के लंबरदार थे, जिनको गदर में हिस्सा लेने की वजह से अंग्रेजों ने उनको तोप से उड़ा दिया था। नंदा गांव रिटोज नन्नू राम नारायण सिंह गुड़गांव जिले के ही निवासी थे, जिनको दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। राधा किशन सनोब भगतराम, जो हुडल के किसान थे, उनको 1 फरवरी 1857 को फांसी देकर शहीद किया गया। राम बख्श, जो झज्जर नवाब की सेना में पुलिस जमादार थे, उनको झज्जर की हार के बाद गोली मारकर शहीद किया। रामधीन सिंह सनोब केवल सिंह गांव बादशाहपुर जिला गुड़गांव को जनवरी 1858 को फांसी देकर शहीद किया गया। ये थे वो वीर शहीद जाट, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ न केवल लड़ाई लड़ी
बल्कि कुछ समय के लिए अंग्रेजों के शासन का अपने इलाके में अंत कर दिया। यही नहीं, बल्लभगढ़ रियासत जो हरियाणा में एक जानी मानी रियासत थी, एक समय था जब भरतपुर रियासत के साथ मिलकर ये काफ़ी बड़ी रियासत थी। इन्होंने दिल्ली को जीतने में भी अहम भूमिका निभाई थी। महाराजा सूरजमल 1753 के समय यहाँ के राजा नाहर सिंह तेवतिया और उनके जाट सैनिकों ने भी अपनी रियासत और अपने प्राण गवा दिए देश की सेवा करते हुए। लेकिन फिर भी कुछ जाटों को सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये वो लोग हैं जैसे आपने कुछ साल पहले जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई तो कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद थे राजकुमार सैनी, वो पूछते थे जाट हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करते थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैंने 55-60 से भी ज़्यादा नाम बताए हैं, वो भी साउथ हरियाणा के जाट हैं, ये कौन थे जो शहीद हुए अपने देश के लिए, जिसमें गुड़गांव, पलवल और सिद्ध झज्जर और एक हिसार का केस है, पीरदास रुणोत गांव के लंबरदार थे। हो सकता है कुछ शहीद अन्य जाति से हो, उसमें आप हमारी मदद करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम मेव जाति, हिंदू और मुस्लिम दोनों के शहीदों के नाम बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही वीरता भरा इतिहास और रोचक जानकारी आपके पास जाती रहेगी। ऐसे ही हम फिर अहीर, गुजर, रांगड़, राजपूत के बारे में आपको बताएंगे, उन शहीदों का नाम बताएंगे जो इन जाति से ताल्लुक रखते थे। हालांकि मेव और जाट इन तीन जिलों में, तीन चार जिलों में सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे, इसलिए उनकी अकेले की वीडियो बनाई गई है। तीसरी वीडियो में हम बाकी तीनों जाति को इंक्लूड करके बताएंगे। तो दबा के शेयर करो, मदद करो हमारी भी, ताकि ये वीडियो हर किसी के पास जा सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आखिर में नमन है ऐसे जाट वीरों को जिन्होंने अपना लहू देश के नाम कर दिया।